सो हे एवरीवन, आज तक कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे रहोगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया आए हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा। और आज मेरा सबसे पहला ब्लॉग बनने वाला है, तो मेरा जो पहला ब्लॉग है ये थोड़ा आउट ऑफ सिटी साइड है, हम लोग थोड़ा बाहर घूमने जाने वाले हैं। तो आज के इसी ब्लॉग में हम लोग देखने वाले कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तब तक के लिए एंड तक बने रहिएगा ब्लॉग में, हम लोग आपको मिलते हैं आगे। तो गाइस, अभी हम लोग बस में हैं एंड हम लोग एक लोकल बस लिए है अमरापुर जाने के लिए। हम लोग वहाँ से अमरापुर जाने के बाद वहाँ से जाएंगे गोवर्धन इको विलेज, जो कि बहुत ही सही तरीके से बना है। कैब ले लिया एंड कैब लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज एंड जो कि बहुत ही दूर है, लाइक कम से कम 30-40 मिनट का रास्ता है। तो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता होने वाला है, आगे आप लोग देखने वाले हो कि कैसा क्या रहेगा। तो हम लोग फाइनली हमारे गोवर्धन इको विलेज टेंपल पहुंच गए हैं एंड यहाँ पर का जो स्टार्टिंग का व्यू है बहुत अच्छा आ रहा है। आगे और देखते हैं कैसा क्या रहेगा। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर पहुंच तो गए एंड यहाँ पर हमने अभी बहुत सारे गायों को देखा। तो हम लोग यहाँ पर इनको मेथी खिलाने वाले हैं। यहाँ पर एक आई के साथ में और दो दो तीन तीन आ गए। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी गाय ये है, दूसरी गाय उधर है, तीसरी यहाँ पर है और एक चौथी थी तो अभी वो पीछे चली गई है। तो ये देखिए वापस आ गए, ये वही तीसरी गाय है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी हम लोग ने खिला दिया गायों को, तो अभी हम लोग वापस आने वाले हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो गाइस, यहाँ पर एक होटल था तो अभी हम लोग उसी होटल में आ गए एंड यहाँ पर हम लोग महाप्रसाद लेने वाले हैं। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी है तो इसके लिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आप सब लोग इसको इग्नोर करिए। ये खाना था बहुत ही टेस्टी खाना था यार गाइस, एकदम मज़ा आ गया खा के। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा छाछ लिया, मस्त छाछ। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग अभी मदन मोहन मंदिर आ चुके हैं एंड यहाँ से हम लोग नंबर रूट लेके जाने वाले। यहाँ पर गर्दी भी बहुत है, आज संडे के टाइम में गर्दी बहुत है। तो यहाँ पर आप राधारास बिहारी के दर्शन कर सकते हैं एंड जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर कृष्ण भगवान की बहुत सारी अच्छे अच्छे स्टैचूज भी देखने मिले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी था जिसका मैंने यहाँ पर सिर्फ फोटो लिया है। तो यहाँ पर जो है इस्कॉन टेम्पल में कीर्तन हो रहा है, जो ऐसे आप देखते हो लाइव वगैरह में, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर अच्छे से पूरा भजन वगैरह हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सारी जगह विजिट कर ली थी एंड वहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, इस कारण से हम लोग ने वहाँ पर वीडियो को स्किप कर दिया। एंड यहाँ पर अभी हम लोग घर के रास्ते जा ही रहे थे, तो यहाँ पर आपको मैं पूरा आसमान का व्यू दिखा रहा हूँ एंड आपको इसके मैं एक मैं आपको पूरा रिव्यू बता दूंगा कि कैसा क्या वहाँ एक्सपीरियंस लिया। गोवर्धन इको विलेज, अगर आप ट्रेन से जाना खाते हैं तो आपको पालघर स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ से वेस्ट मेन जाकर 10 मिनट के रास्ते पर बीज डिपो से वाधा के लिए 20 पगडंडी पी देगी और हमरापुर फाटा उतरना पड़ेगा। हमरापुर फाटा से शेयरिंग ऑटो आपको मिल जाएगा और आप गोवर्धन इको विलेज 30 से 35 मिनट्स में फंक जाएंगे मंदिर का जो महाप्रसाद दाव बट हाय अखा दा और अकीडाम में मुझे मिला और साथ ही साथ वान का जो प्रसर दाव बट हाय सुंदर दा। अगर आप वान घूमने जाना खाते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 दिन का प्लान बनाना का ही और अगर आप 1 दिन में ही घूमना खाते हैं तो स्वेर स्वेर घूम कर आए। धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को देखा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।